दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री अतिशी ने दिल्ली में आज नए स्कूल भवन का उद्घाटन करते हुए आप सरकार के शिक्षा के लिए कार्यों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के स्कूलों का स्तर अगले 5 से 7 सालों में ठीक करने का वादा भी किया है। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या आप खुश हैं, फिर कहा कि आप खुश तो मैं खुश, आपकी खुशी देखकर मेरा 1 किलो खून बढ़ गया है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप भी सुनिए। आपको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि सबके चेहरे पे बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं और आपकी खुशी देख के मेरा भी 1 किलो खून बढ़ गया। आप खुश हो तो मैं खुश हूं और अगर आप दुखी हो तो मैं दुखी हूं। शानदार स्कूल आपके इलाके में बन के तैयार हुआ है। कौन कौन घूम के आया अंदर स्कूल में? कई जने गए नहीं अभी अंदर स्कूल देखने। मेरा निवेदन है 10-10, 15-15 लोग आज कल परसों में एक राउंड जरूर मार के आना स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना अंदर, जैसे अभी अतिशी जी बता रही थी, अंदर इतने शानदार क्लासरूम बने हैं, लेबोरेटरी बनी है, लाइब्रेरी बनी है, एयर कंडीशन्ड हॉल बना है। आप सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सरकारी स्कूल तो छोड़ो, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली के जो हैं, प्राइवेट स्कूल भी स्कूल के मुकाबले में कुछ नहीं है जैसा स्कूल आज आपके इलाके के अंदर बन के तैयार हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था, टेंट में चला करते थे, ना कोई दीवारें, ना कोई छत, ना पंखे, टॉयलेट भी नहीं होते थे, पानी भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट जैसे हो गए, शानदार स्कूल हो गए, शानदार स्कूलों के अच्छे नतीजे आने लग गए। अब आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना चाहो प्राइवेट में भेज दो, सरकारी में भेजना चाहो सरकारी में भेज दो। पढ़ाई दोनों में अब अच्छी हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम दिल्ली के 80% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे अब सरकारी स्कूल हो गए। प्राइवेट स्कूल में भेजने की अब जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों में भेजो, अच्छी पढ़ाई है और अच्छे नतीजे आते हैं, अच्छे स्कूल बन गए आपके। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के जो हमारे टीचर हैं उनको मैं सलाम करना चाहता हूं। टीचरों ने बड़ा अच्छा काम करा, सबसे बढ़िया काम हमारे टीचरों ने और प्रिंसिपल्स ने करा है। देखो हम तो 4-5 ही आदमी है, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम ये 60-62 विधायक और मंत्री मिलके इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते थे। दिल्ली के अंदर जो इतने सारे स्कूल अच्छे हो गए, ये मेरे 60,000 टीचरों ने मिलके स्कूल अच्छे करे हैं। कल तक इन टीचरों को गाली दिया करते थे, कहते थे टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है, आलसी हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के, टीचर स्वेटर बुनती रहती हैं। वही टीचर हैं जो पहले थे, हमने बदले नहीं टीचर, वही टीचर हैं, उन्हीं टीचरों ने काम शुरू कर दिया। क्या बदला? व्यवस्था बदल गई, अब ईमानदार सरकार आ गई। ऊपर से अगर ईमानदार
मुख्यमंत्री ईमानदार, शिक्षा मंत्री ईमानदार, विधायक ईमानदार, तो सारी व्यवस्था बदल जाती है। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था बदल गई। आज ये आपका स्कूल जो है, ये केवल दिल्ली दिल्ली का बेस्ट स्कूल नहीं है, पूरे देश में मैं चैलेंज कर सकता हूं, ऐसा स्कूल आप मेरे को दिखा दो जैसा स्कूल आपके इलाके के अंदर। मेरे को बताया गया 2000 के करीब बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। एक बगल में एडेड स्कूल भी है, चौधरी राम शरण यादव जी के प्रयासों से यहाँ पे स्कूल बना था, और कई सारे चौधरी राम शरण यादव जी ने यहाँ पे समाज के लिए काफी अच्छा काम किया। कई सारे गांव के लोगों का मेरे पास प्रस्ताव आया है कि स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा जाए, इसके बारे में सरकार जरूर विचार करेगी। अब आप लोगों ने अपना प्यार और मोहब्बत दिखाते हुए हमको नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। नगर निगम में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, वो भी ठीक करने चालू कर दिए। नगर निगम के टीचर भी अब ट्रेनिंग के लिए उनको आए अहमदाबाद भेज रहे हैं। टाइम लगेगा, जैसे इसको भी दिल्ली सरकार के स्कूलों को ठीक करने में भी 5-7 साल लग गए, नगर निगम के भी सारे स्कूल ठीक कर देंगे, 5-7 साल लगेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद देखना, नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक शानदार स्कूल होंगे पूरे दिल्ली में। चिंता रहती है मेरे को, बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन डिग्री ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब नौकरी नहीं मिले। आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूमता रहता है, नौकरी नहीं है। उसके लिए अब मैं पूरी सरकार लगी हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं कि 12वीं के बाद जितने बच्चे कॉलेज जाना चाहें कॉलेज में जाएं, कॉलेज में उनको एडमिशन मिलना चाहिए। कोई बच्चे गरीबी की वजह से, मान लो 12वीं के बाद कोई बच्चा गरीबी की वजह से रह जाए, आगे शिक्षा नहीं करना चाहे, उसको रोजगार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए ताकि अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। उसके लिए हम लगे हुए हैं सारे के सारे। मैं तो राजनीति में नया नया आया हूं, लेकिन 7-8 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने एक ही चीज सीखी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम सारे जने लग जाएं, अपने एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं। कई रोजगार का हमने करा भी है, कई बच्चों को रोजगार दिलवाए भी हैं, लेकिन अब और पूरी सरकार अब इसको 1 पॉइंट प्रोग्राम लेके चल रही है कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सारे प्रोग्राम बेकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का घर चलना, खर्चा चलना, बच्चे पालना, परिवार पालना। बच्चे पढ़े हो, उनको अच्छा रोजगार मिले, चाहे नौकरी मिले चाहे रोजगार हो। हमारा ज्यादा से ज्यादा इस पे एम्फेसिस है कि बच्चा बड़ा होकर नौकरी देने वाला बने, अपना खुद का रोजगार करे, 2-4 लोगों को और रोजगार दे, नौकरी लेने वाला ना बने। उस दिशा में हम काफी सारे काम कर रहे हैं। आप अपना इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और जाने से पहले स्कूल जरूर देख के जाना। भारत माता की। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।